राजीव बिंदल को विधानसभा अध्यक्ष बनाने पर सोलन भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी जोश दिखा। अध्यक्ष बनने की खुशी में सोलन के माल रोड पर व्यापार प्रकोष्ठ द्वारा 10 किलो का केक काटा गया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशी मनाई। उन्होंने इस मौके पर कहा कि राजीव बिंदल एक दूरदर्शी नेता हैं और उन्होंने सोलन के विकास में अहम भूमिका निभाई है, जिसे सोलन आज भी याद रखता है। बेशक आज वह नाहन के विधायक हैं, लेकिन उनका सोलन से बहुत पुराना रिश्ता है, इसीलिए आज सोलनवासी उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनने पर बेहद उत्साहित और खुश हैं। इस मौके पर व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता ने कहा कि राजीव बिंदल को भाजपा और कांग्रेस ने बहुमत से विधानसभा अध्यक्ष बनाया है, जिसकी खुशी में आज सोलन के माल रोड पर 10 किलो का केक काटा गया। आज सभी सोलनवासी बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि राजीव बिंदल का सोलन से बेहद लगाव है और वह सोलनवासियों के दिलों में रहते हैं, इसीलिए उन्हें अध्यक्ष बनाने पर सोलनवासियों में भी भारी खुशी है। इसीलिए आज सभी शहरवासियों ने मिलकर खुशी मनाई। आज जब हमें पता चला कि डॉक्टर राजीव बिंदल जो हमारे नाहन के विधायक हैं और पूरा में सोलन के भी विधायक रहे हैं, उनको दोनों ही पार्टियों ने आज विधानसभा अध्यक्ष चुना है, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उनको दोनों पार्टियों ने मिलकर बहुमत से अध्यक्ष चुना विधानसभा का। और इसी की खुशी मनाते हुए आज सोलन व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक के नाते से हमने आज माल रोड पर उनके लिए एक 10 किलो का केक बनाकर काटा है और लोगों को खिलाया है। लोग बहुत खुश हुए कि आज सोलन की जनता बहुत खुश है कि डॉक्टर राजीव बिंदल जी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया।